पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात के तहत जय माता खल्लारी मंदिर कोटा रोड की सेविका सरोज मिश्रा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मंदिर एवं नवरात्रि में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। माता राम कम सप्तम हुआ, यहाँ इतनी मतलब वो है, सत्यता है यहाँ, लोगों को बच्चा कोर्ट कचहरी कोई भी नवादा है सब चीज़ को माता हटाते हैं, यहाँ मन्नत करते हैं, तो अपने हिसाब से लोग मन्नत को माता का पूरा करते हैं। मंदिर का ही स्थापना तो बताते हैं कि करीब 75-80 साल पहले ऐसे कोई लेडीज आई थी यहाँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा खेती पूरा वही भूत बिलार बन बिलुआ नांग वांग ये सब बड़ा प्राकृतिक चीज़ें थी यहाँ पर, तो आए थे गोबर बिनने के लिए, ऐसी माता छोटे से थी पिंडी रूप में, तो लोग पैर से हपट गए, जो मनोकामना लोग मांगते हैं ना बताते हैं कि पूरा होता है। ये तो पिंडी रूपा माता है खल्लारी, और अभी नवरात्रि नव दुर्गा पक्ष चल रही है, लेकिन इसका अर्थ अभी 9 दिन तक अलग अलग रहता है। खैर हम लोग तो जैसे भी है करते हैं, इसका है प्रथम दिन शैल पुत्री, दूसरे में ब्रह्मचारिणी, ऐसे ऐसे है सब, रुकते हैं कौन रुकने के लिए, तो क्या है श्रद्धालु बहुत है, लेकिन लगभग 15 साल हो गए, ये जो है पंडा बाबा कहती हूँ, एक कम उम्र के लड़के हैं, इनका नाम है अनिल पंडा बाबा, यही रहते हैं अकेले, पहले रहते थे कोई कोई, अब क्या है कोई नहीं रहते, क्या कर रहते हैं। नवरात्रि का एक कम तो जैसे जोत जलती उस दिन होती है, मंदिरों का और जवारा वालों का एक कम उससे एक दिन पहले होता है, तो मैं विधि वगैरह भी गाती हूँ। मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि लोग दिखावा में ना जाएं, लोग जो नेचुरल हैं, जो सही हैं और जो सही होना चाहिए उसमें लोगों को विश्वास करना चाहिए। आजकल क्या है, कई लोग मंदिर हो या ऐसी कई अन्य जगह हो, अंठी कंठी पहन कर दुनिया भर का बंधन चंदन लगा कर बैठ जाते हैं, और बैठ कर लोगों को मैं ये हूँ वो हूँ फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ों में लोगों को नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर मंदिर है घर के आसपास, वो मंदिर को पहले पूछना चाहिए। लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ तीरथ भरत गए थे, वो गए थे, पहले आप अपने घर का माता पिता या घर का स्थान देवी देवता को मना पाते हैं क्या? तो इंसान को ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ सदाबहार लगभग 15 से 17 साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए यहाँ अखंड ज्योति जलती रहती है सदाबहार, तो वो ज्योत का मैं रखवाला हूँ, मैं चले जाऊँगी तो ज्योत को कौन देखेगा? तो जब मैं इन्हीं को नहीं मना पाऊँगी तो मेरे को दुनिया देखने की भी कोई मतलब क्या है? यहाँ पर 1985 में आई हूँ कोटा वार्ड में, वार्ड में 85 से आई, क्या पता क्या इसी का वो था, इन्हीं का बहाना था, श्रद्धा था, नहीं मालूम। मैं यहाँ आई उसके 1 साल बाद 86 में, मेरे को मैं माता भाई माता खेत की पाल में छोटी सी थी, इतनी बड़ी मंदिर छोटी सी, तो मेरे को स्वप्न देने लगे, तो मैं भी बहुत डरती थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद में और कुछ साल बीतने लगे तो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर उसके बाद में अपने बस में ले ली कि जितना है सांप है नाग है जो भी है, वो दिखते भी थे तो मेरे साथ ही साथ भी चलते थे, लेकिन मेरे को डर भय नहीं हुआ। और माता जो है मेरे को हर चीज़ को, महाकालेश्वर है, महाकाल है, बजरंग बली है, बाहर में शेर है, ऊपर में शेर है, जो भी है पिंडी रूपा माता स्वयं खल्लारी जो है पहाड़ा वाली मेरी घर के पीछे में आती थी, मेरे को दर्शाना दर्शाते थे। उसके बाद मैं देख कर नहीं समझ पाती थी क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ऐसी एक साधारण सी महिला हूँ, तो ये सब चीज़ें क्या है। मैं फिर पंचांग दिखाती थी, नांग का सपना देखना, मेरी क्या दिमाग में नांग बनवाऊंगी, मेरी क्या दिमाग में महाकाल बनाऊंगी, मैं बजरंग बली बनवाऊंगी, मेरी क्या दिमाग में महाकाली बनवाऊंगी, सब चीज़ खल्लारी माता पिंडी रूपा मेरी दिमाग में और मेरी दिल में दर्शाते गई और स्वयं सपना दी, और उसके बाद में मैं सब चीज़ को बनाते गई। ना मेरे अंदर में कोई विद्या है, न तंत्र है, न मंत्र है, और अभी भी मैं कभी भी कोई भी आते हैं, यदि मैं इसका भभूत में बहुत सत है उठा कर मैं फूंक देती हूँ, एक फूंक
लोगों का कोई भी तकलीफ है वो ठीक हो जाता है, लोग बताते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाती यहाँ। युग को मानते हैं, मेरे को कलयुग में इतना चमत्कार दिखाए माता, मेरे साथ कलयुग में इतना अच्छा हुआ, इससे बढ़कर मेरे भाग्य में और क्या हुआ। हमारी जो श्रद्धा है, जो यहाँ पर भंडारा उंडारा होती है, तो लोग इतना आते हैं, टूट कर आते हैं भंडारा में। खल्लारी का भंडारा है, खल्लारी का जबकि भंडारा नवरात्रि में कई जगह होते हैं। हूँ कि विधायक भी देते हैं करके बाजा गाजा ये वो बहुत देते हैं, बोलते हैं कि 5 लाख 7 लाख 10 लाख ये भी सुनी हुई, लेकिन मेरे को आज तक कोई पार्षद ना कोई विधायक एक रुपया नहीं दिया है, क्योंकि जो भी है जैसा भी है किसी चंदा वंदा भी नहीं लिया। तो मेरी सौभाग्य है धड़ाधड़ 1 से 2, 2 से 3 तल्ला बड़ी मंदिर बन गई माता की।